हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागॉजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिक जीके का मॉक नंबर 3। मॉक नंबर 1 एंड मॉक नंबर 2 ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मॉक्स को जरूर रेफर करिएगा, वो आपकी लॉ एंट्रेंस प्रिपरेशन में जरूर हेल्पफुल होंगे। और मैंने कोशिश की है कि आपके साथ वही स्टैटिक जीके का पोर्शन कवर किया जाए जो कि मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टैटिक जीके वैसे बहुत वास्ट है पर हमारा फोकस उन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे, उन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे होना चाहिए जो कि जरूरी है फॉर आवर लॉ एंट्रेंस प्रिपरेशन। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स किसको बोला गया है। द प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स वॉज द नेम एट्रीब्यूटेड विद हुम। तो दोस्तों, बोला गया था ह्यून त्सांग को, ह्यून त्सांग भी जिनको बोलते हैं, ये एक अलग प्रोनाउंसिएशन उनकी, ह्यून त्सांग उन्हें बोला जाता है बेसिकली। और वो आए थे ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जब हमारे कंट्री में रूल कर रहे थे वो उस दौरान आए थे, एंड ही वाज अ बुद्धिस्ट मंक, तो इन्हीं को ही कहा गया प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स। अगला क्वेश्चन है, अशोका कॉल्ड द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। अशोका ने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाई थी कहाँ पर? वो बुलाई गई थी पाटलिपुत्र में। और जैसे कि आपको पता भी होगा, अशोका ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, ही अडॉप्टेड बुद्धिज्म। अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड लॉर्ड बुद्धा ब्रेथ हिज लास्ट, मतलब कि लॉर्ड बुद्धा की डेथ कहाँ पर हुई थी। लॉर्ड बुद्धा की डेथ हुई थी दोस्तों कुशीनगर में, जो कि है उत्तर प्रदेश में। और ऐसा माना जाता है कि उन्हें फूड पॉइजनिंग हुई थी जिसकी वजह से वो बीमार रहे और उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। तो उन्होंने आखिरी सांस ली थी कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द सैक्रेड बुक्स ऑफ बुद्धिस्ट, मतलब सैक्रेड बुक्स मतलब जैसे इस्लाम में कुरान होती है, हिंदुइज्म में गीता मानी गई है, तो बुद्धिस्ट की सैक्रेड बुक कौन सी है? वो है त्रिपिटका। इसको सैक्रेड बुक माना जाता है बुद्धिस्ट की। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है अलग अलग एंट्रेंसेस में, चाहे वो बीएचयू का हो, डीयू का हो या पीयू का हो, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो कि बहुत फेमस है, उसको कब बनाया गया था? दोस्तों, वो बनाई गई थी ड्यूरिंग द रेन ऑफ चाइना। चाइना में किया नाम से एक डायनेस्टी चलती थी, तब बनाई गई थी, जिससे कि जो बारबेरियन सिविलाइजेशन है उसके अटैक से बचाया जा सके चाइनीज एम्पायर को। तो इस डायनेस्टी के दौरान इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, द मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स, मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स आर गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास, किस वेदास में मैजिकल चार्म्स और स्पेल्स की बात की गई है? तो दोस्तों, वो की गई है अथर्वा वेदा में। अगला क्वेश्चन है, विच बिल कैनॉट ओरिजिनेट इन राज्यसभा, कौन सा बिल जो है वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स जिसको राज्यसभा कहा जाता है उसमें ओरिजिनेट नहीं हो सकता? तो दोस्तों, वो है मनी बिल, जिसको 109(1) में बोला गया है कि कभी भी मनी बिल को आप ओरिजिनेट नहीं कर सकते हैं इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा में कभी भी ओरिजिनेट नहीं होगा, हमेशा ओरिजिनेट होता है लोकसभा में। और मनी बिल डिफाइन किस में है? वो डिफाइन है आर्टिकल 110 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स अ नॉन मनी बिल इज डिस्कस्ड इन एवरी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो एक नॉन मनी बिल को कितनी बार डिस्कस किया जाता है हर एक हाउस में? तो वो किया जाता है 3। तो इसकी 3 रीडिंग्स होती है हर एक बिल की। पहली रीडिंग होती है जिसमें उसको प्रेजेंट किया जाता है, दूसरी रीडिंग होती है जिसमें क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन होता है, तीसरी रीडिंग में एक जनरल डिस्कशन होता है और उसके ऊपर वोटिंग होती है। अगला क्वेश्चन है, विच अमेंडमेंट एक्ट Raise the age of retirement for judges of High Court from 62 from 60. High Court judges की retirement age 60 से बढ़ा के 62 कर दी गई थी। By which amendment? ये question है। तो दोस्तों, वो थी 15th amendment in the year 1963. तो 1963 में High Court judges की retirement age को बढ़ाया गया था 62 तक, from 60 years of age, 2 साल के लिए बढ़ाया गया था in the year 1963 by 15th amendment. अगला क्वेश्चन है, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सन इज कॉल्ड, आउटर मोस्ट लेयर जो होती है सन की उसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों, उसको कहा जाता है कोरोना। तो आजकल चल भी रहा है कोरोना बहुत ज्यादा, इससे भी आपको याद रहेगा, और आउटर मोस्ट लेयर को भी कोरोना कहा जाता है। और ये आप कब देख सकते हैं? जब भी सूर्य ग्रहण लगता है, सोलर इक्लिप्स जिसको कहते हैं, तो बाहर एक लेयर नजर आती है, उसको कहते हैं कोरोना। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है दोस्तों 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड होता है नॉर्थ टू साउथ, लैटिट्यूड होता है वेस्ट टू ईस्ट। तो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है, और ये पैसिफिक ओशन से होके गुजरती है और अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट टॉकी फिल्म ऑफ इंडिया वाज रिलीज्ड, इंडिया की पहली टॉकी फिल्म जिसमें मतलब आवाज आई, मतलब बातें हुई और वो सुनाई दिया,
तो वो कौन सी पहली फिल्म थी? वो थी आलम हरा, जिसका नाम आपको पता होना चाहिए, और किस ईयर में वो रिलीज हुई थी? 1931 में, और नाम भी जरूर इसका याद रखना, आलम हरा नाम से फर्स्ट टॉकी फिल्म थी इंडिया की। अगला क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड कंप्यूटर माउस? कंप्यूटर माउस का इन्वेंशन किसने किया है? तो दोस्तों वो किया है डॉगलस इंगलबर्ट, इन्होंने इसका इन्वेंशन किया था, और भी बाकी बहुत सारी चीजें इन्होंने इन्वेंट की थी विद रिगार्ड टू कंप्यूटर, और सबसे फेमस इन्वेंशन थी इनकी कंप्यूटर माउस। अगला क्वेश्चन है, द बैक्टीरियल सेल्स डू नॉट हैव, बैक्टीरियल सेल्स के अंदर क्या नहीं होता? बैक्टीरियल सेल्स के अंदर दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सेल जो है अपनी एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया से लेते हैं, पर बैक्टीरियल सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, तो वो फूड के थ्रू सारी एनर्जी लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी वहीं से लेते हैं और ग्लूकोज के थ्रू भी लेते हैं अपनी एनर्जी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द ग्लैंड रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर? हमारे बॉडी टेम्परेचर को कौन सा ग्लैंड रेगुलेट करता है? तो दोस्तों वो रेगुलेट करता है हाइपोथैलेमस, इसको कहते हैं, और ये ग्लैंड हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। उसके साथ ही साथ जो भूख लगती है, प्यास लगती है, उस सब चीजों को भी हाइपोथैलेमस ही वो ग्लैंड है जो रेगुलेट करता है हमारी बॉडी में। नेक्स्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन इज कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पर लोकेटेड है? तो दोस्तों वो लोकेटेड है तिरुवनंतपुरम में, जो कि है केरला में, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो दोस्तों ये था एक शॉर्ट स्टैटिक जीके का मॉक कह लीजिए, क्विज कह लीजिए, जिसमें हमने 16 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर आपको उसको इसका PDF चाहिए हो तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं ऑन 9818098138, मैं आपको इसका PDF सेंड कर दूंगा। पर डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए ऑफकोर्स आप वीडियो को रेफर कर सकते हैं, और आगे आने वाली वीडियोस में भी मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टैटिक जीके और बाकी जो भी पोर्शंस हैं इंडियन पॉलिटी या लॉ से रिलेटेड सारी वीडियोस इस चैनल पर अपलोड करूँ। तो इस चैनल का कंटेंट आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।